सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ई साइकिल के बारे में, जो कि काफ़ी कमाल की ई साइकिल है। 50 रुपये में 1000 किलोमीटर चलेगी और फ़ोन की तरह चार्ज हो जाएगी। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 के बाद ईवी को ध्यान में रखकर बनाई गई सरकारी नीतियों की वजह से ईवी स्टार्टअप में भी काफ़ी उछाल देखा गया है। सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स SMIV के आंकड़ों के अनुसार 2020 के चुनौतीपूर्ण वित्तीय वर्ष के बावजूद ईवी की घरेलू बिक्री में 20% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, इसको देखते हुए लोगों का रुझान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर बढ़ रहा है। बीते कुछ समय के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है, ख़ासतौर पर लॉकडाउन के बाद निजी वाहन से यात्रा करने और साथ ही पैसों की बचत करने के महत्व को बढ़ावा मिला है। बदलते समय जो ग्राहक अधिक स्थायी जीवन शैली में शिफ्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बाज़ार में ईवी के कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पुणे बेस्ड नेक्सजू मोबिलिटी एक स्टार्टअप है जिसने भारत में ई साइकिल की पेशकश की है। इस स्टार्टअप को 2015 में स्टार्ट किया गया था। इस वेंचर का पहले आह्वान मोटर्स नाम था, जो कि ई साइकिल और ई स्कूटर बेचता है। इस कंपनी के मालिक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के स्टूडेंट रह चुके हैं। वे पापा जॉन इंडिया में इन्वेस्टर थे। यह भारत की सबसे बड़ी पिज़्ज़ा चेन में से एक है। जब उन्हें डिलीवरी के लिए ख़ासतौर पर ईवी सेगमेंट में किफ़ायती स्कूटर नहीं मिले तो उन्हें काफ़ी झटका लगा। इसके बाद उन्होंने अपने कारोबारी ज़रूरतों से पैदा हुई समस्या को दूर करने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर के विकास में दाव लगाया। इसके ओनर कहते हैं कि उनका ईवी मॉडल न सिर्फ सस्ती लागत के कारण मालिकों के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि यह पर्यावरण के लिहाज से भी सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। ई साइकिल चलाना कितना फ़ायदेमंद सौदा है, इसके बारे में आप इनके ओनर का गणित समझिए। वे कहते हैं कि एक ईवी को चलाने का खर्च 0.2 रुपया पर किलोमीटर है, यानी 20 पैसे पर किलोमीटर, जबकि पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन में यह खर्च 1.5 रुपये पर किलोमीटर होता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये इलेक्ट्रिक साइकिल 10 रुपये के चार्ज पर 150 किलोमीटर चलेगी और स्कूटर 45 किलोमीटर तक चल सकता है। 50 रुपये में साइकिल 1000 किलोमीटर तक चल सकती है। अगर बिजली की कीमत प्रति यूनिट लगाएं तो 8 रुपये मान लेते हैं, तो चार्जिंग के लिए बिजली की खपत का खर्च 10 रुपये होगा। ये साइकिल मेड इन इंडिया है और इसमें बहुत कम पार्ट्स होते हैं, जिससे इनके रखरखाव में काफ़ी कम खर्चा आता है। इस तरह उपभोक्ता की बचत ज़्यादा होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन ई साइकिल को फ़ोन या लैपटॉप की तरह बेसिक सॉकेट के ज़रिए कहीं भी चार्ज किया जा सकता है। नेक्सजू मोबिलिटी की ये ई साइकिल 2 वेरिएंट रोमपस प्लस और रोड लार्क में अवेलेबल है। काफ़ी आकर्षक लुक वाली इस स्टाइलिश रोमपस प्लस इलेक्ट्रिक साइकिल की प्राइस 31,980 रुपीज़ है, जबकि ज़्यादा रेंज वाली रोड लार्क की प्राइस 42,317 रुपीज़ है। इसमें पावरफुल मोटर और बैटरी दी गई है। कंपनी महाराष्ट्र में पुणे के नज़दीक चाकन में स्थित अपने प्लांट में इसका उत्पादन कर रही है। रोमपस प्लस और रोड लार्क को एक साइकिल या स्कूटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 36 वोल्ट और 250 BLDC मोटर दिया गया है, जिसमें 36 वोल्ट और 5.2 एम्पियर लिथियम आयन बैटरी होती है, जो इस साइकिल को 750 साइकिल बैटरी लाइफ देती है। इस इलेक्ट्रिक साइकिल में दी गई बैटरी को 2.5 घंटे से 3 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है और रोड लार्क फुल चार्जिंग पर 80 किलोमीटर तक चल सकती है, जबकि रोमपस प्लस 30 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकती है।
रोड लार्क पैडल मोड में 65 किलोमीटर और थ्रोटल मोड में 55 किलोमीटर का रेंज देती है। वहीं रोमपस प्लस में पैडल मोड में 25 किलोमीटर और थ्रोटल मोड में 20 किलोमीटर की रेंज मिलती है। रोमपस प्लस में टिकाऊ फ्रंट सस्पेंशन और डुअल डिस्क ब्रेक मिलते हैं। कंपनी इसकी मोटर और बैटरी पर 18 महीने की वारंटी देती है। इन ई साइकिल को इंडिया में डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है। यह रोज़ाना सफ़र करने वाले यात्रियों और व्यवसायियों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसमें एक एर्गोनॉमिक डिज़ाइन मिलता है। इसे एक कोल्ड रोल स्टील एलॉय फ्रेम पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर बनाया गया है। इस साइकिल को 4 कलर में पेश किया गया है। इसमें रेड, ब्लू, सिल्वर और ब्लैक कलर शामिल है। इसके साथ ही इसमें इनबिल्ट हॉर्न्स और हैंड लैंप्स दिए गए हैं। साथ ही साइकिल में एक आरामदायक सीट मिलती है जो हाई क्वालिटी की फोम से बनी हुई है। इस इलेक्ट्रिक साइकिल में 26 इंच के टायर मिलते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इन साइकिल को कैसे ख़रीदना है। तो अगर आप इन नई रोमपस प्लस सुपर साइकिल को ख़रीदना चाहते हैं तो आप नेक्सजू डीलरशिप पर जाकर इसे ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा आप कंपनी की वेबसाइट के ज़रिए इसकी ऑनलाइन ख़रीदारी भी कर सकते हैं। कंपनी के मुताबिक यह इलेक्ट्रिक साइकिल जल्द ही अमेज़न और पेटीएम मॉल जैसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर भी अवेलेबल हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी इलेक्ट्रिक साइकिल है, लेकिन प्राइस थोड़ा महंगा रखा गया है। अगर प्राइस थोड़ा और कम हो सकता है तो ज़्यादा सही रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।